कुछ लोगों को मेट्रो स्टेशन की तस्वीरें खींचने का शौक होता है। ले चलते हैं आपको स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम के मेट्रो स्टेशन में, जो अपनी खूबसूरती से लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम के मेट्रो स्टेशन गुफा की तरह हैं। अलेक्जेंडर ड्रैगनोव के लिए ये खास हैं। वे जहां भी जाते हैं वहां के मेट्रो स्टेशनों की तस्वीरें लेते हैं। आप सबवे में जाते हैं, अकेला महसूस करते हैं, आपकी आवाज गूंजती है। इस जगह को महसूस करना मुझे अच्छा लगता है, और ये खाली होता है इसीलिए आप आसानी से फोटो ले सकते हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं करता। आप जो चाहे कर सकते हैं और अपना पसंदीदा एंगल ढूंढ सकते हैं। स्टॉकहोम में शाम का वक्त, ज्यादातर लोग घर चले गए हैं, लेकिन 35 साल के ड्रैगनोव अपने जुनून का पीछा कर रहे हैं। वो स्टेशनों पर जाते हैं तस्वीरें लेने। पैसा तो वे प्रोग्रामिंग करके कमाते हैं, फोटोग्राफी सिर्फ शौक है, लेकिन सबवे फोटो से उन्हें सोशल मीडिया पर ढेरों क्लिक मिलते हैं। और वे अकेले नहीं हैं, फ्लिकर और इंस्टाग्राम पर उनके जैसे कई दीवाने हैं। जैसे यहाँ लंदन की मिस अंडरग्राउंड, उसके फोटो करीब 35,000 लोग देखते हैं। ये सारे एक स्मार्टफोन से लिए फोटो हैं। उनके इंस्टाग्राम पेज पर कुछ तस्वीरें म्यूनिक की भी हैं। शहरों के सबवे स्टेशनों की तस्वीरें काफी पसंद की जाती हैं। मॉस्को के पैलेस जैसे सबवे स्टेशन भी पसंद किए जाते हैं। ये दुनिया भर के फोटोग्राफरों के लिए तीर्थ स्थान जैसे हैं। स्वीडन की राजधानी के सबवे भी अब ड्रैगनोव के कारण मशहूर हो रहे हैं। रादुसेट स्टेशन, ड्रैगनोव को गुफानुमा स्टेशन पसंद है। स्टॉकहोम के सबवे का ग्रेनाइट यहाँ सीमेंट से ढका गया है, और इसलिए लगता है जैसे आप गुफा में हो। ऐसे स्टेशन ब्लू लाइन पर सबसे ज्यादा हैं। ये 70 के दशक में बनाए गए। बढ़िया तस्वीर के लिए इनका खाली होना जरूरी है। रात में ऐसा मौका आ ही जाता है, इंतजार तो फिर भी करना ही पड़ता है, और उकड़ू बैठकर फोटो लेना और तकलीफदायक। स्वीडन के कई सबवे स्टेशनों पर मूर्तियां बनी हुई हैं, या फिर पेंटिंग और इंस्टॉलेशन है। स्टॉकहोम ट्रांसपोर्ट सर्विस के मुताबिक उसके सबवे स्टेशन दुनिया की सबसे लंबी आर्ट गैलरी हैं। ड्रैगनोव की तस्वीरों में इन्हें भी शामिल किया गया है। उनकी तस्वीरों में रेखाओं और संतुलन का खेल दिखता है। उनकी सबसे सुंदर तस्वीरों को उन्होंने टुनल बाना नाम के एल्बम में शामिल किया है। ये सीखने में काफी समय लगा कि तस्वीरें कैसे ली जाएं। मैंने कई कैमरा बदले, लेंस बदले, और फिर मुझे समझ में आया कि बेहतरीन तस्वीरें लेने के लिए जितना ज्यादा हो सके वाइड एंगल लेंस का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। स्टॉकहोम मेट्रो का फोटो प्रोजेक्ट ड्रैगनोव के लिए पूरा हो गया है। अब वे दूसरे सबवे के फोटो लेना चाहते हैं। उनकी इच्छा है म्यूनिक और लंदन जाने की, ऐसे मेट्रो स्टेशन जो स्टॉकहोम से बिल्कुल ही अलग हैं।